हेलो फ्रेंड्स, वेरिएबल सेपरेशन सीखने की सीरीज़ में आज जो है ये हमारी लास्ट एग्जांपल है। और इससे पहले जो है मैं आपको दो एग्जांपल करा चुका हूँ, तो ये जो है उन दो एग्जांपल से थोड़ी और डिफ़िकल्ट है। वो दो एग्जांपल इसके मुकाबले में थोड़ी इजी थी। तो यहाँ पर जो है मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो है इंटीग्रेशन करके आ चुके हैं और इंटीग्रेशन आपको आती है। जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है वो वेरिएबल सेपरेशन में, तो इसीलिए जो है यहाँ पर मैं इसको ऐसी एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी वेरिएबल सेपरेशन मुश्किल है। इसमें जो है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी थोड़ी सी मुश्किल है। तो आपको अगर इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये मुझे कमेंट कर दें, तो मैं जो है इस इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। इसमें जो है बाय पार्ट्स है और सिंपल क्वेश्चन में भी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो आप ये चीज़ मुझे बता दीजिएगा अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सवाल जब आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें से हमें जो है एक्स अलग कर लेना है और वाई अलग कर लेना है। सो इसको किस तरह अलग करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स जो है इस एक्स वाई प्लस थ्री एक्स में एक्स कॉमन है, तो मैं यहाँ से एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा वाई प्लस थ्री। और इसी तरह यहाँ पर जो है माइनस वन कॉमन है, तो अगर मैं माइनस वन यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगा वाई प्लस थ्री। इसी तरह डिवाइड में जो है आपके पास एक्स वाई माइनस टू एक्स में आपके पास एक्स कॉमन है, तो मैं यहाँ से एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो आपके पास बच जाएगा वाई माइनस टू। और इस तरह यहाँ पर आपके पास फोर कॉमन है, तो अगर आप यहाँ से फोर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई माइनस टू। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सिंपली दो स्टेप एक स्टेप करने से हमारे पास जो है ब्रैकेट्स आ गए। तो अब जो है हम इन ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं। ये एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट बन गया और वाई प्लस थ्री बन गया सेकेंड ब्रैकेट। इसी तरह अपॉन में आपके पास x प्लस फोर एक ब्रैकेट बन गया और y माइनस टू सेकेंड ब्रैकेट बन गया। यहाँ पर जो है dy वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं y डैश करके, आपको पता है, तो मैं यहाँ पर इसको y डैश अभी लिख रहा हूँ। नीचे जाकर जो है मैं इसको, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये dy वाई बाई डी एक्स है, तो इसको इसी तरह वापस लिख देते हैं और ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा x प्लस फोर y माइनस टू। अब आपको पता है कि ये y जो है हमें सेपरेट करना है, तो हम y को जो है इस तरफ भेज देंगे लेफ्ट साइड पर, और जो है हमारा dx जो है इसको हम भेज देंगे राइट साइड पर। तो हम जो है इसको सेपरेट कर लेंगे कम्प्लीटली। तो y माइनस टू यहाँ पर जो है डिवाइड में है, तो यहाँ कर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा y माइनस टू। इसी तरह ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आकर आपके पास हो जाएगा ये डिवाइड में, तो ये हो गया वाई प्लस थ्री। और डी वाई इसी तरह आ जाएगा वापस, और यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट इसी तरह रहेंगे और एक्स प्लस फोर आ जाएगा नीचे और डी एक्स आपके पास आ जाएगा इस तरफ। ये आपकी हो गई वेरिएबल सेपरेशन कंप्लीट। अब आपके पास जो काम है वो है इंटीग्रेशन का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन किस तरह होगी। तो मैं इंटीग्रेट लगा कर लेता हूँ बोथ साइड, वाई माइनस टू और वाई प्लस थ्री डी वाई, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर डी एक्स। अब आपको पता है कि अगर जो है आपके पास नीचे वाली टर्म का डेरिवेट ऊपर मौजूद हो तो तब तो आप उसको लिख सकते हैं ln, ln करके नीचे वाली टर्म आप लिख लेते हैं ln y प्लस थ्री। और इसी तरह आप यहाँ भी कर सकते थे अगर आपके पास ऊपर वन होता, क्योंकि x प्लस फोर का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो वन आएगा, तो जो है आप इसको ln करके लिख सकते थे। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास y प्लस थ्री नीचे है और ऊपर y माइनस टू है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि जो नीचे टर्म है वही टर्म आप जो है ऊपर बना लें। वो टर्म ऊपर कैसे बनेगी, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो है y प्लस थ्री है और यहाँ y माइनस टू है। तो मैं अगर कोई ऐसा नंबर ऐड कराऊँ जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से y प्लस थ्री बन जाए तो आपका जो है काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करा रहा हूँ y माइनस टू के साथ प्लस और माइनस फाइव। सिर्फ प्लस फाइव मैं ऐड नहीं करा सकता, क्योंकि जो काम हम पॉजिटिव करते हैं वो नेगेटिव भी करना पड़ता है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी कराना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फाइव ऐड करा रहा हूँ तो मुझे माइनस फाइव भी करना होगा। और इसी तरह डी वाई, नीचे आपका आ जाएगा वाई प्लस थ्री। इसी तरह मैं जो है यहाँ पर भी बनाना चाह रहा हूँ एक्स प्लस फोर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर ऐड कर दूँ प्लस फाइव और माइनस फाइव तो फाइव माइनस वन फोर यहाँ पर बन जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ भी कर लेता हूँ कि यहाँ भी मैं फाइव ऐड कराता हूँ और फाइव सब्ट्रैक्ट कराता हूँ। तो ये आपके पास बन गया
एक सॉल्यूशन कि अब जो है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, -2 + 5 अगर करेंगे तो y + 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -5 dy, और y + 3 नीचे। इसी तरह यहाँ पर -1 + 5 करेंगे तो ये बन जाएगा x + 4, -5 upon x + 4 dx। अब जो है यहाँ पर आप इसको एलसीएम ब्रेक कर दें कि y + 3 जो है एक टर्म है, इसको आप ब्रेक कर दें और -5 को y + 3 के साथ ब्रेक कर दें, ये एक अलग टर्म बन जाएगी। तो मैं जो इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो y + 3 upon y + 3, ये एक ब्रेक हो गया और जो है -5 के साथ आ जाएगा आपका y + 3 dy। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा कि x + 4 upon x + 4, -5 upon x + 4 dx। अब यहाँ पर x + 4 x + 4 ये कंप्लीट ब्रैकेट्स हैं तो ये कट जाएंगे। तो अब जो है मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 1 - 5 y + 3 dy, इसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1 - 5 इंटीग्रल ऑफ x + 4 dx। अब मुझे क्या करना है कि इस इंटीग्रल को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दें, इस टर्म से भी और dy भी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dy माइनस, अब यहाँ पर जो है ये 5 को मैं जो है इंटीग्रल के अंदर लिख सकता हूँ, बट इस 5 का इंटीग्रल के अंदर कोई काम नहीं है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर, और जब ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 upon y + 3 dy। अगर मैं 5 को बाहर ना निकालता तो ये 5 यहाँ पर होता, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेते तो ऊपर 1 होना चाहिए, तो ऊपर उस वक्त जो है 5 होता, 5 का कोई काम नहीं था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ पर 1 बच गया। इसी तरह इस साइड पे कर लेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस, यहाँ पर भी 5 का कोई काम नहीं है इंटीग्रल के अंदर तो इसको हम निकाल देंगे बाहर, और ये हो जाएगा 1 upon x + 4 dx। अब f(1) dy का इंटीग्रल आपको पता है कि y होता है, तो हम सिंपली लिख देंगे y, -5 इसी तरह कॉपी होगा। अब यहाँ पर हमें करना है इंटीग्रेट 1 upon y + 3। आपको पता है कि अगर कोई टर्म नीचे हो और जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो आप उसको ln करके लिख सकते हैं, तो अगर y+3 का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको जो है यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, t बराबर है आपका y+3 के, तो अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी, तो आपके पास आ जाएगा 1। तो इस 1 जो है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ln y+3। अगर इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो आप ln करके नीचे वाली टर्म को लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर इंटीग्रल आपको लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली x, और यहाँ पर -5 कॉपी हो जाएगा, और इसी तरह x + 4 का अगर आप लेंगे डेरिवेटिव तो आपके पास आएगा 1। इसको भी आप यहाँ पे देख लें कि ये v मैंने बराबर करा है, v को मैं सपोज़ कर रहा हूँ, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। v आपके पास है x + 4 के इक्वल, तो जब आप v- लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आएगा 1। तो यहाँ पर भी आपके पास अगर आप इसको ln करेंगे तो आपके पास x + 4 आ जाएगा, और ये x की साइड है तो यहाँ पर आपके पास एक अदद कांस्टेंट भी आएगा। यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा और जो है आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, बट फॉर द सेफ साइड आप इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे इसको देख लेते हैं। अब जो है मैं इसको मुझे और सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने में मुझे ये ln रिमूव करना है। ln रिमूव कैसे होते हैं ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि ln जब भी रिमूव करना हो तो उसके लिए आपको देना पड़ता है एक्सपोनेंशियल, तो मैं बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल जब मैंने ले लिया तो आपको पता है जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो पूरी टर्म जो है उसकी पावर में आ जाती है, तो ये पूरी टर्म जो है इसकी पावर में आ जाएगी, और इसी तरह यहाँ पर भी ये पूरी टर्म उसकी पावर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा
वाई प्लस एक्स प्लस फोर प्लस सी। अब एक प्रॉपर्टी है कि जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब भी e की पावर a प्लस बी या a माइनस बी हो तो ये जो है आपके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, e की पावर a डॉट e की पावर b। अब इसी तरह यहाँ पर e की पावर a, e की पावर b और e की पावर c काउंट होगा, तो हम जो इसको तीन प्रोडक्ट में तोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, e पावर y डॉट e पावर माइनस फाइव एल एन वाई प्लस थ्री, और इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा e पावर x डॉट e पावर माइनस फाइव एल एन एक्स प्लस फोर डॉट e पावर c। e की पावर c का मतलब कोई नंबर है तो हम जो है इसको सिंपल c भी सपोज कर सकते हैं, तो जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये जो है इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब तक हम जो है कर चुके थे इसको इसकी पावर में हम ला चुके थे, जो हमारी वर्किंग थी वो यहाँ तक पहुँची थी, e पावर y डॉट e ऑफ माइनस फाइव एल एन वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू e पावर x डॉट e पावर माइनस फाइव एल एन एक्स प्लस फोर, और e की पावर c इक्वल होता है c के तो हम उसको लिख देते हैं सिंपल c। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर जो है आपके पास a एल एन बी लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं एल एन बी पावर a। ये क्या प्रॉपर्टी है और मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस फाइव जो है ये आपका यहाँ पर a है और y प्लस थ्री जो है ये आपका यहाँ पर b है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास माइनस फाइव यहाँ पर a है और x प्लस फोर जो है ये आपका b है, तो ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, e पावर y डॉट e एल एन वाई प्लस थ्री पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू e पावर x डॉट e एल एन एक्स प्लस फोर पावर माइनस फाइव सी। आपको पता है कि e और एल एन जब भी साथ हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये कैंसिल हो गए और ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा y प्लस थ्री पावर माइनस फाइव डॉट ई वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर पावर आ जाएगी आपकी माइनस फाइव ई एक्स और c। तो ये आपने देखा कि इसमें जो है कुछ भी इतना ख़ास मुश्किल नहीं था, सिंपल आपको दो तीन प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। एल एन की ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एल एन की एक ये प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको बताई थी कि ई की पावर ए प्लस बी और अगर प्लस सी भी हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ई पावर ए डॉट ई पावर बी डॉट ई पावर सी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर इसकी ये यूज़ हुई हैं, और इसके अलावा सिंपल इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट था और आपको जो है फैक्टराइजेशन करनी थी। इस क्वेश्चन में जो है तीन चार चीज़ें थी एक साथ, तो आपने इस एग्जांपल से आई होप काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर जो है इस तरह की वेरिएबल सेपरेशन की, अब तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने जो कही थी वो मैंने आपको करा दी, अगर इसके अलावा आपको लगता है कि इसकी और वीडियोज़ भी आपको ज़रूरत है उनकी और आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्पफुल मिल रहा है तो आप मुझे बता दें, मैं जो है इसकी और वीडियोज़ भी बना लूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको अब मूव करेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की तरफ, उसमें भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको टू टू थ्री एग्जांपल्स होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस बोथ सेट कराऊं, तो जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आए तो किस तरह सॉल्व करने हैं। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में, तो जो है मुझे अंदाज़ा इस बात का, इसीलिए मैं जो है इसकी एग्जांपल्स ज़्यादा करा रहा हूं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की एक वीडियो जो है मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि अपलोड करता रहूँ, और बेल के आइकन पर क्लिक करके रखें तो जो है आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स।